स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का। आप सीधे आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था, स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, नहीं किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को राष्ट्र को अच्छा नहीं लगता, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्वागत होना चाहिए था, स्वागत होना चाहिए था, इनको यह भी अच्छा नहीं लगता है। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए लोग यदुवंश के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को बैन करते हैं, इसलिए सरकारों ने बैन कर दिया था। हम लोग आए, अरे हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी, मनाओ सभी थानों में जन्माष्टमी का आयोजन होने चाहिए बहुत भव्यता के साथ, लेकिन इन लोगों ने बैन कर दिया था। ये लोग बैन कर दिए थे, इनको कोई फुर्सत, यानी इनको आस्था का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, और आतंकवादियों को रिहा करना भी ये अपने लिए गौरव की बात मानते थे, लेकिन उसके ठीक विपरीत आस्था का सम्मान करना और आतंकवादियों को ठिकाना लगाना, ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। बस यही अंतर है, फर्क साफ है, और ये फर्क साफ है आपके भी दिमाग में आ गया होगा, फर्क साफ है। उज्ज्वल रमण जी समझ जाइए, समझ जाइए, अब कम से कम नितिन जी से कुछ तो प्रेरणा लीजिए। देखिए जिनकी उम्र हो गई है उनको छोड़ दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके पास जज्बा है, कार्य करने का जज्बा है, अपमान के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा है, आस्था का सम्मान, प्रयागराज में तो हमारी संगम नगरी है, आना चाहिए लोगों को, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा तिलांजलि देनी चाहिए। जो लोग गरीबों के लिए नहीं लड़ सकते, ये लोग किस तरीके से अपमान करते थे, ये लोग दलितों की बात करेंगे, अंबेडकर जी के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी, उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, कांशीराम जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं को, उन्होंने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया था, हो सकता उनका दल अलग होगा लेकिन समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनके संघर्षों को आप विस्मृत नहीं कर सकते, लेकिन कांशीराम जी के नाम पर बनी हुई संस्था कोई सरकार बन रही है, ये लोग बदलती है नाम, ये सब क्या है, हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने तो गुलामी कालखंड में अगर किसी ने इलाहाबाद रखा तो हमने कहा इलाहाबाद नहीं, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। अयोध्या गुलामी कालखंड में फैजाबाद किया गया था, देश स्वतंत्र है, अयोध्या नाम होगा, अयोध्या हमने किया है। आजादी के बाद की सरकारों ने नहीं किया था, किसी कालखंड में किसी ने क्या होगा, हमने उसको बदला है, और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने इस कार्य को किया, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और मैं इसके लिए अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। लेकिन लोग लाज की बात उनके लिए है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। यह जो मानसिकता है, एक जोड़ने की मानसिकता, एक निर्माण की मानसिकता है, और एक तोड़ने की मानसिकता है, विध्वंसात्मक मानसिकता है, डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। निर्दोष लोगों का हत्यारा है वो व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमामंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए
इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय, प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने का। उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ अपनी सीमा जोड़ता है, हमारी कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। 2017 के पहले 2 लेन की या सिंगल लेन की थे। बिहार 4 लेन की कनेक्टिविटी से हमारे देश प्रदेश की कनेक्टिविटी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड 4 लेन की कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा है। बिजली 2017 के पहले अंधेरा होता था, मान लेते थे लोग उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, दिन रात पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। हर एक बिजली, सबको बिजली, भरपूर बिजली, बिजली की भी कमी नहीं। और ठीक है, हम बजट से पैसा दे रहे हैं, हमने इनकम बढ़ाई है तो हम पैसा दे भी रहे हैं। एक हाथ से कमाएंगे तो दूसरे हाथ से प्रदेश की सुविधा के लिए भेजेंगे भी। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो ठन ठन गोपाल होगा, ये कुछ होगा ही नहीं, इनके पास होगा ही नहीं। सब हाथ धर के खड़े रहते थे, टुकटुकी लगाए देखते थे। 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, वो भी आधी अधूरी, बाकी 71 जिले अंधेरे में रहते थे। और कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। और उसको तिलांजलि देने के लिए ही लोगों को तैयार होना ही होगा। ये खिलाड़ियों का सम्मान युवा कल्याण और खेलकूद विभाग ने किस प्रतिबद्धता के साथ किया। आज हर गांव में खेल मैदान बन रहे हैं, हर विकास खंड में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने ओलंपिक में जाने वाले उत्तर प्रदेश के हर खिलाड़ी को और मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को लखनऊ में बुलाकर के सम्मान किया था। हर एक खिलाड़ी को सम्मान, भरपूर सम्मान। और यही नहीं, पैरालंपिक में भी मेरठ का कार्यक्रम हुआ, और अभी तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, चिंता मत करो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारी सरकार हॉकी को जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर बना रही है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी,